हॉर्लिक्स और नेटवर्क 18 लेकर आए हैं मिशन पोषण भविष्य रोशन। हिमाचल प्रदेश के शिमला में रात के समय मुख्यमंत्री आवास के बाहर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। सैकड़ों की संख्या में जुटे इन कार्यकर्ताओं ने वहां पानी की सप्लाई के मुद्दे पर प्रदर्शन किया और सीएम जयराम ठाकुर की आवास को घेरने की कोशिश की। यूथ कांग्रेस के इन कार्यकर्ताओं ने शिमला में पानी की सप्लाई के मुद्दे पर अपनी नाराजगी जाहिर की और शिमला के लोगों को पानी ना मिलने पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास की तरफ बढ़ने की कोशिश की, जिन्हें वहां मौजूद पुलिस वालों ने रोक दिया। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध यहीं नहीं रुका और कुछ लोग बैरिकेड पर चढ़कर उसे पार करने लगे। हंगामे का ये दौर देर रात तक चलता रहा और पुलिस वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश में जुटे रहे, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता भी पीछे हटने को तैयार नहीं हुए, क्योंकि शिमला में बीते 8 दिनों के अंदर पानी का संकट और गहरा हो गया है, जिसे कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया और पानी की कमी दूर न होने तक आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। हम शिमला की जनता के लिए और खास तौर पे पूरे प्रदेश के अंदर ये क्राइसिस हो रहा है, उसके लिए कांग्रेस लड़ाई लड़ते रहेगी। हमें गिरफ्तार करो, लाठीचार्ज करो, उसके लिए हम तैयार हैं। वहीं प्रशासन ने हालात जल्द बेहतर होने का दावा किया। पानी की कमी की वजह से शिमला में पर्यटन व्यवसाय को भी बड़ा झटका लगा है। देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे को बनाने का काम जल्द शुरू होगा। ये एक्सप्रेसवे मुंबई और नागपुर के बीच होगा। दावा किया जा रहा है कि मुंबई और नागपुर के बीच बनने वाले इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 700 किलोमीटर होगी। अनुमान लगाया गया है कि एक्सप्रेसवे बनाने की कुल लागत 46,000 करोड़ रुपए होगी। मुंबई से नागपुर पहुंचने में अभी करीब 18 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि एक्सप्रेसवे बनने के बाद ये दूरी घटकर 8 घंटे ही रह जाएगी। 8 लेन के इस एक्सप्रेसवे की कुल चौड़ाई 120 मीटर होगी, जिस पर गाड़ियों को 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने की इजाजत होगी। एक्सप्रेसवे पर 50 से ज्यादा फ्लाईओवर, 5 सुरंगें और 24 से ज्यादा जगहों पर एक्सप्रेसवे से उतरने का रास्ता बनाया जाएगा। इससे पहले देश का सबसे लंबा हाईवे किशनगढ़ उदयपुर अहमदाबाद है, जिसकी लंबाई 650 किलोमीटर। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र के 10 जिलों से होकर गुजरेगा। इस रूट से महाराष्ट्र के 14 पर्यटक स्थल भी जुड़ेंगे, जिससे इन जगहों पर पहुंचना आसान हो जाएगा। तो दावा ये भी किया जा रहा है कि एक्सप्रेसवे के बनने से मुंबई और औरंगाबाद की दूरी 4 घंटे कम हो जाएगी और औरंगाबाद से नागपुर की दूरी भी 4 घंटे कम हो जाएगी। इस एक्सप्रेसवे को 16 हिस्सों में बांटा गया है और सभी और 16 हिस्से जो हैं उनको बनाने के लिए निजी कंपनियों को ठेका दिया जाएगा। इनमें 13 हिस्सों को बनाने का ठेका दे दिया गया है, हालांकि काम अभी शुरू नहीं हुआ है। तो एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण करने का काम भी तेजी से किया जा रहा है। अब तक करीब 80% काम पूरा हो चुका है। दावा किया जा रहा है कि काम शुरू होने के बाद 2.5 साल में एक्सप्रेसवे बनने का काम पूरा हो जाएगा। यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने एक सभा में दावा किया कि सीता टेस्ट ट्यूब के जरिए पैदा हुई संतान थी। सीता जी का जन्म हुआ तो घड़े से हुआ, उस समय टेस्ट ट्यूब बेबी का कोई ना कोई प्रोजेक्ट रहा होगा उस प्रकार का, जो घड़ के हल चलाया जनक जी ने और उसके घड़े के अंदर से वो बेबी निकली, सीता जी बन गई। दिनेश शर्मा के बयान पर सियासी बवाल मचने में देर नहीं लगी। आरजेडी नेता मनोज झा ने बीजेपी पर तंज कसा। प्रधानमंत्री जी के पास एक नगीना फैक्ट्री है, जिस नगीना फैक्ट्री में विप्लव हैं, साक्षी महाराज हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, अब दिनेश शर्मा जी भी हैं। ये नगीना फैक्ट्री वाले लोग ना जुबान खोलते हैं और महाभारत में जाके इंटरनेट ढूंढ लेते हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेता राजेंद्र चौधरी ने यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया। अलग इनके पास ज्ञान है, अलौकिक ज्ञान है, यही बात कर करके वो लोग जनता में अंधविश्वास को पैदा करते हैं और अंधविश्वास का फिर दुरुपयोग करते हैं।